प्रॉब्लम हमारे पास जी कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सेट से मुतालिक, फाइंड द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी हमने दो सेट्स हैं हमारे पास, एक है सेट बी और एक है सेट ए, इनके हमें पावर सेट्स मालूम करने हैं, ठीक है। अब पावर सेट बी का कैसे मालूम करेंगे, अगर हम बी के तमाम सबसेट्स को एक दरमियानी ब्रैकेट यानी ब्रेसेस के अंदर बंद करके लिखते हैं तो वो पावर सेट ऑफ बी कहलाएगा, अगर मैं तमाम सबसेट्स ऑफ एम्प्टी सेट के सेट्स को अगर ब्रेसेस के अंदर यानी दरमियानी ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिख दूँ तो मेरे पास वो खाली सेट का पावर सेट कहलाएगा। अब सबसे पहली बात है कि अगर हमने पावर सेट ऑफ बी मालूम करने हैं तो सबसे पहले हमें सबसेट्स ऑफ बी चाहिए, सबसेट्स ऑफ बी, सबसेट्स ऑफ बी। अब सबसेट्स ऑफ बी क्या हैं, सबसेट्स ऑफ बी हमारे पास हैं, एक है खाली सेट, सबसे पहला तो खाली सेट होगा, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट के साथ आ जाएंगे ज़ीरो, फिर थ्री, उसके बाद फिर एट, एंड फिर दो दो एलिमेंट ले लें ज़ीरो थ्री एंड फिर ज़ीरो एट और इसी तरह से फिर थ्री एट, ठीक है। उसके बाद अब आप देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और लास्ट वाला हो जाएगा सेट इटसेल्फ ज़ीरो थ्री एट, जो कि उसका एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा। अब अगर आप देखें पावर सेट ऑफ बी, इस तरह लिखेंगे पावर सेट ऑफ बी को, ये हम दरमियान में रखने यूज़ करेंगे यानी ब्रेसिस यूज़ करेंगे और आप ब्रेसिस के अंदर हम तमाम सेट्स को डाल देंगे, यानी खाली सेट, उसके बाद ज़ीरो, उसके बाद थ्री एंड देन एट, उसके बाद टू टू में आ जाएंगे ज़ीरो थ्री, फिर आ गया ज़ीरो एट, ज़ीरो एट, फिर आ गया थ्री एट, फिर आ गया ज़ीरो थ्री एट, ज़ीरो थ्री एंड एट, ये हमारे पास बन गया पावर सेट ऑफ बी। अब हम देखेंगे पावर सेट ऑफ खाली सेट क्या है। अब खाली सेट का सबसेट आपको पता है खाली सेट ही होगा, इसका मतलब है पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट क्या होगा, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट खाली सेट क्या हो जाएगा, सिर्फ इसमें आ जाएगा खाली सेट, यानी ब्रेसेस में हम खाली सेट यूज़ कर देंगे तो ये आ जाएगा पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट।